हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में उन सब बीमारी के बारे में बात करने वाला हूँ जिनमें से एक भी अगर आप में है तब आप कभी भी गल्फ में परमानेंट काम के लिए नहीं जा सकते। हाँ, वो बात अलग है, आप शटडाउन में गए, एक महीने दो महीना काम करके आ गए, ये बात अलग है, मगर परमानेंट जो वर्कर होते हैं उसमें आपका नाम कभी भी नहीं आ सकता है। ये बात सुनने में खराब लगता है मगर ये फैक्ट है, और मैं ये बात इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि कोई भी एजेंट आप लोगों से कोई भी एक्स्ट्रा पैसा इसके लेके ना ले सके, क्योंकि ऐसा नहीं है। अगर आप में कोई बीमारी है और कोई एजेंट बोले कोई बात नहीं आप इतना पैसा दे दीजिए मैं इसको क्लियर करवा दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें से कुछ परमानेंट जो प्रॉब्लम है उसको तो हम लोग कभी भी ठीक नहीं कर सकते, और कुछ आता है टेम्पोरली प्रॉब्लम जिसके लिए भी हम लोग को मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है, तो वो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हम लोग का आदत कुछ हम लोग का हैबिट चेंज करना पड़ता है। मगर जो परमानेंट प्रॉब्लम है वो क्या क्या होने से आप लोग वहां पे नहीं जा सकते, इसको लेकर मैं आज वीडियो बना रहा हूं, तो चलिए देख लेते हैं। तो मैं आज यहाँ पे दूसरा कहीं पे क्या क्या टेस्ट होता है इसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ क्यूबीसी मेडिकल में हम लोग का कौन सा टेस्ट होता है और इसमें हम लोग का अनफिट आने का चांस कितना होता है इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो फर्स्ट में जो टेस्ट आता है वो आता है ब्लड टेस्ट आता है। ब्लड में कुछ कुछ इन्फेक्शन और डिजीज आता है जो कभी भी क्योरेबल नहीं होता है, कुछ कुछ क्रॉनिक डिजीज भी आता है जो भी क्योरेबल नहीं होता है, मगर हम लोग को पहले जानना ये जरूरी है कि ब्लड में क्या क्या टेस्ट होता है। फर्स्ट हम लोग का यहाँ पे टेस्ट होता है आपका HIV टेस्ट होता है, सेकंड हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी टेस्ट होता है, और थर्ड हम लोग का यहाँ पे शुगर टेस्ट होता है, फास्टिंग ग्लूकोज जो शुगर टेस्ट होता है ये टेस्ट होता है। इसमें जो जॉन्डिस होता है पीलिया जो होता है वो हेपेटाइटिस बी सी में ही आ जाता है। इसमें मैक्सिमम जो डिजीज है वो क्योरेबल है, मगर अगर कुछ क्रॉनिक हो जाता है तो ये क्योरेबल नहीं होता है, और अगर आप लोगों में HIV का भी प्रॉब्लम आता है तो भी वो क्योरेबल नहीं है, इसके लिए भी आपको लाइफ टाइम दवा खाना पड़ेगा, और इसके लिए भी अगर HIV पॉजिटिव आ जाता है तो भी आपका मेडिकल अनफिट आ जाता है। अदरवाइज आपका जो भी प्रॉब्लम आता है वो क्योरेबल है। अगर आप लोगों को पता होता है कि आप लोग का कुछ छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप लोग जैसे कि जॉन्डिस का प्रॉब्लम हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं हुआ है ऐसा कुछ अगर आता है तो पहले से आप लोग पर्सनली डॉक्टर दिखा के उसका दवाई खा के आप लोग क्लियर करवा लीजिए, उसके बाद ही टेस्ट में जाइए। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का बॉडी में थायराइड या तो फिर हीमोग्लोबिन का लेवल कम ज्यादा है और अगर आप लोग का ये बात पता है तो इसके लिए भी आप लोग ठीक से डाइट लेना चालू कर दीजिए। मिनिमम 5 से 7 दिन पहले से आप लोग सही से डाइट लेना चालू कर दीजिए। इसका टेस्ट तो नहीं होगा मगर इसके रिगार्डिंग आपका बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो होता है हेपेटाइटिस बी सी ये सब कुछ में चेंज आ सकता है, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग कुछ डाइट में कुछ चेंज कीजिए, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ब्लड में यही है, जो परमानेंट प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व नहीं होगा, मगर छोटा मोटा मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आता है वो सब कुछ क्योरेबल प्रॉब्लम है। ओके, और सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सरे में ब्लैक स्पॉट आ जाना, इसके लिए 80 से 90% लोगों को अनफिट कर दिया जाता है, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, मगर हम लोग को पता होना चाहिए कि कौन सा रीजन में हम लोग का ये ब्लैक स्पॉट आ जाता है। ये कॉमनली दो रीजन के लिए ये ब्लैक स्पॉट आता है। फर्स्ट है परमानेंट रीजन के लिए जो है आपका कभी भी अगर ट्यूबरक्यूलोसिस या टीबी जैसा आपका कभी भी अगर बीमारी हुआ हो तो इसके रिगार्डिंग आपका छाती में एक ब्लैक स्पॉट आ जाता है, जो स्पॉट अनरिमूवेबल है, कभी भी वो रिमूव नहीं कर सकते, और ये स्पॉट के लिए आप लोग कभी भी मेडिकल में फिट नहीं आ सकते। तो अगर आपके पास ये स्पॉट है आपको पता है तो आप लोग कोई भी एजेंट को आज तो भी कहीं पे भी पैसा मत दीजिए, क्योंकि आपका मेडिकल क्लियर नहीं होने वाला है, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा सिर्फ। ओके, और सेकंड जो है टेम्पोरली स्पॉट आ जाता है वो है कप के कारण आ जाता है, जो सीजन चेंज होता है इसमें कप आ जाता है। अगर आपका कप ठीक भी हो गया, सर्दी जो होता है वो अगर ठीक भी हो जाता है मगर कभी कभी सीने में वो रह जाता है, तो इसको क्लियर करने का कुछ तरीका है जो तरीका मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा, तो ये क्लियर हो जाने के बाद ही आप लोग जाइए। अदरवाइज आपका अगर स्पॉट आया तो वहां पे कुछ नहीं देखा जाएगा ये किस रीजन के लिए स्पॉट है, डायरेक्टली आपका मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट जो है वो है आई टेस्ट। अगर आप लोग खुद से समझ सक रहे हैं कि आप काम करने का लायक है, आप देख पा रहे हैं, कोई छोटा से छोटा काम आप लोग कर लेंगे हाथ से, तो आप लोग का कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग मेडिकल में पास हो जाएंगे। मगर अगर आपको ही पता है आप ठीक से देख नहीं पा रहे, अच्छे से नहीं देख पा रहे, वो डजंट मैटर, आप चश्मा लगा के देखिए नहीं लगा के देखिए, चश्मा आप लगा के वहां पे काम कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। मगर आप लोग अगर पता है अगर चश्मा लगा के भी आप लोग क्लियरली नहीं देख पा रहे तो भी आप लोग वहां पे जाने का सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि एजेंट लोग सिर्फ पैसा ही ले लेगा, आप लोग मेडिकल में अनफिट कर दिए जाएंगे। ओके, और फोर्थ जो पॉइंट है वो है अगर आपका शरीर में कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, जिसको फिजिकली हैंडीकैप या तो फिर आप लोग फिजिकली अक्षम होते हैं काम करने के लिए, आपका एक हाथ टेढ़ा है या तो फिर उंगली कट गया है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आता है, कोई भी ऑर्गन अगर नहीं है या तो फिर काम नहीं करता है, तो भी आपको मेडिकल अनफिट कर दिया जाएगा। आप लोग जितना भी पैसा दे दीजिए वहां पे आप लोग नहीं जा सकते।
और लास्ट में एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों में से किसी को भी पाइल्स का प्रॉब्लम है तो आप लोग पहले वो प्रॉब्लम को यहाँ से ही ठीक करके फिर वहाँ पे जाइए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अगर आप लोग ऑफिशियल जॉब करते हैं या तो फील्ड में जॉब करते हैं, कहीं पे भी जॉब करते हैं, आप लोगों को इधर 8 घंटा बैठ कर काम करना पड़ेगा, नहीं तो फील्ड में भारी भारी सामान उठाना भी पड़ सकता है। तो अगर आप लोगों का पाइल्स का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाकर आपका ये प्रॉब्लम बढ़ सकता है, तो इससे बेटर होता है आप लोग यहाँ से पहले उसको क्योर करके फिर वहाँ पे जाइए। रिगार्डिंग आप वहाँ पे मेडिकली फिट नहीं होंगे, मगर इसको आपका पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ताकि आप लोगों को वहाँ पे जाके कोई भी प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। ओके, यही 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आज आप लोगों के साथ शेयर करना था। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ।